बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर आप ईए फैमिली परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अभी किन लोगों के लिए अप्लाई हो सकता है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ क्लोज फैमिली मेम्बर्स की, कि यहाँ पर जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वालदा, वालिद, जो आपकी वाइफ है वो और आपके बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन शर्त इसके अंदर ये है कि आप यूके में 2020 यानी कि 2021 स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर सेटल होने चाहिए, आपके पास ईयू सेटलमेंट स्कीम का स्टेटस होना चाहिए। अगर वो सेटलमेंट स्कीम का आपके पास स्टेटस है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप बीवी या बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी इनकम शो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप पेरेंट्स का या आपके इनलाज का आप अप्लाई करते हैं और वहाँ पर आपको फिर स्पेसिफिक अमाउंट जो है वहाँ पर शो करवानी पड़ेगी कि मैं मंथली इनको इतने पैसे भेज रहा हूँ, तो उसके बिहा पर जो है आपका वीज़ा लगेगा। बट अगर बीवी या बच्चों के लिए आप अप्लाई करते हो तो इस सूरत में किसी भी किस्म की कोई भी रसीद आपको प्रेजेंट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या मैटर करता है, यहाँ पर मैटर करता है कि आपका रिलेशनशिप आपको शो करवाना पड़ेगा, उसके लिए स्पेसिफिक आपको एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसे कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गया, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ठीक हो गया, और इसके अलावा ईयू सेटलमेंट स्कीम का जो स्टेटस है वो आपको शो करवाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप फैमिली पिक्चर्स चैट्स वगैरह शो करवाते हैं तो वो उससे आपका जो है बेनिफिट हो जाएगा। बट मेन रीज़न यहाँ पर यही आती है कि आपका स्पॉन्सर जो है वो 2020 में ही वहाँ पर सेटल होना चाहिए। ये मेन शर्त अगर आप अपने जेन में रखते हैं तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात अपॉइंटमेंट की, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर आपको ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी। समटाइम होता है कि वीक्स में अवेलेबल नहीं होती, बट आजकल आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी, फ्री वाली भी मिल जाएगी और 48 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वाली भी मिल जाएगी, 78 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वाली भी मिल जाएंगी। अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम फेस करने में आ रही है, जैसा कि हो गया फॉर्म फिलिंग में, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर असिस्ट करेंगे, जितना हो सका हम आपकी कंसल्टेंसी करेंगे, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद, कराची, मीरपुर, लाहौर, कहीं भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए हम उसमें असिस्ट आपकी कर सकते हैं। तो वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कंसल्टेंसी आप लेना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा, अल्लाह हाफिज़।